मिश्रा जी के पास चलूंगा यही प्रश्न लेके। मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो ये 150 दिन की मेहनत है, ये कांग्रेस के चुनावी भाग्य चक्र में कितना परिवर्तन ला सकती है? देखिए अमिताभ जी, जी ये जो तस्वीर से कांग्रेस के लोग बड़े उत्साहित हैं, बारिश का सीन, इस तरह की तस्वीरें सिल्वर स्क्रीन पे सिनेमा हॉल में तो आग लगा सकती हैं, राजनीति में नहीं। क्योंकि राजनीति में कांग्रेस का कोई भी आदमी इस तस्वीर को या इस घटना को मुद्दा नहीं बनाएगा। मुद्दे होंगे महंगाई, बेरोजगारी, विकास, जो हम लोग डेली बात करते हैं। बारिश में भीगना ना कांग्रेस मुद्दा बनाएगी ना जनता इसको मुद्दा मानेगी। बोल रहे थे ये पोज है, सपोज नहीं, ठीक है, राहुल गांधी जी अभी कुंवारे हैं, हो सकता है कोई प्रपोज कर दे, ये तो इस तस्वीर की एनालिसिस है। दूसरी चीज है, इस पूरे यात्रा से फायदा केवल एक लगेगा जो मुझे लग रहा है। सबसे बड़ा जो चुनौती है कांग्रेस के लिए वो अभी इंटरनल है कि कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता कौन है, यानी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। तो राहुल गांधी ये यात्रा करके डेफिनेटली ये चीज साबित हो सकती है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा या कोई नेता है जो वाइडली एक्सेप्टेड है नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, यानी उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, वो राहुल गांधी है। क्योंकि इतना बड़ा मंथन और किसी नेता ने किया नहीं है। रही बात चुनाव जीतने की या चुनाव में कुछ जो है कायाकल्प हो, इसके दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, कांग्रेस के लोग, आपकी पार्टी के लोग उत्साहित होंगे, उसका असर दिख सकता है। जनता कितना उत्साहित होती है, बारिश का ये सीन जो पर्दों पे आग लगाती है, उसकी गर्मी वोटिंग डे के दिन जो है वोटरों के दिमाग में, दिल में जो है कुछ आग लगाती है, कुछ धुआं उठा पाती है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। और अभी तो चुनाव बहुत दूर है, 1.5 साल है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका इम्पैक्ट कोई बहुत ज्यादा या ऐसा पड़ेगा कि पूरा कांग्रेस जो है कायाकल्प हो जाएगा, चुनाव का रिजल्ट बदल जाएगा। क्योंकि बहुत तरीके के अटैक होते हैं, उसको बचाना, अपनी इमेज को जो है वो करना, रॉन्ग पोजिशनिंग है ये। अगर कांग्रेस इस तस्वीर को लेके अगर पॉलिटिकल मुद्दा बना रही है तो ये रॉन्ग पोजिशनिंग है। ये चीज कहीं फिल्म में होती तो दर्शकों के दिलो दिमाग पे जरूर छा जाती। जी बिल्कुल ठीक बात है। हमारे साथ अमिताभ तिवारी भी जुड़ गए हैं, चुनाव विश्लेषक। अमिताभ जी का स्वागत है। अमिताभ जी, आप के पास आ रहे हैं, आप ही कैंसर कर रहे थे। अरे एक बात और कहता हूं, मैं समझ नहीं पाता हूं त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी के संदर्भ में एक बात याद आ गई, वो कह रहा हूं, फिर अमिताभ तिवारी जी के पास जाऊंगा। एक मसला उठ चल रहा है, एक सिनेमा बना उस पर, आदि पुरुष या क्या उस टाइप का कुछ है, उसमें जो पात्रों का चरित्र चित्रण है उसको लेके देश में नाराजगी। जो लोग कांग्रेस के सोशल मीडिया पर वॉरियर्स हैं, क्या वो उन चरित्रों के पक्ष में खड़े हो गए आके? मतलब डॉक्टर ने बताया है, हैं कि ओखली में सिर दो, आप अपना समेट नहीं पा रहे हो, वहां ज्ञान देने चले गए, जो कोई 10-5 वोट जुड़ेगा यात्रा से वही से भाग जाएगा, ऐसा काहे को करते हो? कौन सा चमन प्रास खिलाते हो सबको, भगवान जाने। आपको क्या लेना देना सैफ अली रावण में शूट कर रहे कि नहीं कर रहे? एके मिश्रा जी, एक बार मैं बिहार के चुनाव में गया तो वहां राहुल गांधी आए हुए थे उस दिन, तो सब चले गए, तो मैंने लोगों से पूछा, अब साल साल में भूल जाता हूं, घटना मुझे याद रहती है, महबूब अली कौसर क्या था नाम, वो अध्यक्ष थे उस वक्त वहां के, अब साल ये त्रिपाठी जी ढूंढ लेंगे। तो लोगों ने कहा राहुल गांधी अच्छे आदमी हैं, लेकिन कांग्रेस को वोट देने से क्या फायदा, महबूब अली को वोट क्यों दे, ये तो किसी लायक है नहीं। तो यहां तो लालू और नीतीश का ही मामला है, यानी राज्य ऐसे सोचता है, और केंद्र का लोकसभा का चुनाव हो तो भी कांग्रेस जनता की पसंद नहीं बन पा रही। बीजेपी ने इसके उलट ये कर लिया कि त्रिपुरा में हो, मेघालय में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हो हरियाणा में, वो कहते सब छोड़ो आप मोदी को देखो, और रिजल्ट आ रहा है। ये अंतर है ना एके मिश्रा जी, ये जो एक जो भी आपका चेहरा हो एक्स वाई जेड, उसकी स्वीकार्यता तो जनता में होनी चाहिए। वो स्टेट के लिए वोट मांगे तो, चुंगी के लिए मांगे तो, और लोकसभा के लिए मांगे तो नहीं। देखिए अमिताभ जी, जो बात आप कह रहे हैं वो सत्य है।
मैं आपको बोलता हूं कि किसी भी देश में, स्पेशली भारत जो कि भावना प्रधान देश है, अभी नहीं लाखों सालों से, यहाँ पे राजा बनना या एक चेहरा बनना या एक नेता बनना बड़ा टिपिकल टास्क है। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड काम है। अभी कोई बोल रहा था कि साउथ में कांग्रेस कभी मजबूत थी, अभी है नहीं है नॉर्थ में। सवाल ये है कि जब अंदरूनी रूप से जो कांग्रेस कमजोर है, पहले अपने आप को वहां मजबूत बना ले, उसके बाद फिर प्रदेश स्तर के लोग अपने आप मजबूत हो जाएंगे, जिला स्तर के अपने आप मजबूत हो जाएंगे। कोई ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, कोई सिस्टमेटिक अप्रोच, कोई सिस्टम। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए, राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं और यहाँ 10 जनपद हेड ऑफिस में नौटंकी चल रही है, पूरी दुनिया ने देखा ना, तो कहीं से कोई कोऑर्डिनेशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इनका कोई बड़ा नेता या राहुल गांधी ही कोई अच्छी चीज बोलेंगे, उसके बाद इनके जो स्वयंभू धुरंधर हैं, दिग्विजय सिंह, या कोई ऐसी चीज बोल देंगे जो पूरे के पूरे भारतीयों के जनमानस को जो है झकझोर देगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको भारत में नेता बनना है, आपको ताल तरैया, तारा पोखर, नदी नाला बाहा, इसमें फर्क नहीं पता है, तो आप भारत में नेता नहीं बन सकते हैं। कहने का मतलब, भारत की भूमि की नब्ज को अगर आप नहीं पकड़ पाते जी हैं तो आप यहाँ पे नेता नहीं बन पाएंगे। माइक्रो और मैक्रो लेवल पे जो सिंक की कमी है, जो देश को, जो देश के नब्ज को नहीं जी समझ पा रहे हैं, सारी मेहनत धीरे धीरे करके ये बेकार। हर बार जो फेल्योर कांग्रेस का हो रहा है, उसके पीछे ये कहीं ना कहीं मिसमैच है, रॉन्ग पोजिशनिंग है कि बात कब, कहां पे, कौन सा मुद्दा क्या उठाना है उसका एकदम से। देखिए, जैसे बारिश वाला है, किसी कांग्रेस के नेता को ये नहीं पता, अगर वो ये बोलते कि कोई काम कर यज्ञ वगैरह या कुछ भी आप करिए, अगर बारिश हो जाए तो उसको इंद्र का, प्रभु का आशीर्वाद माना जाता है, काम सफल होगा। इस तरीके से इन्होंने कोरिलेट नहीं किया कि हाँ, हम बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, देखिए इंद्र भगवान का, देवताओं का भी आशीर्वाद है ये बारिश, और बेरोजगारी दूर होगी। इन्होंने कोरिलेशन भी किया तो इतना गलत ठीक है। हाँ, वो कोरिलेशन किया, भारतीय इतना प्रतीकों मिसमैच के साथ किया। कोरिलेट, में समझ गया आपकी बात, भारतीय प्रतीकों के साथ कोरिलेट अरे आप करने। सतरंगी से ठीक कोरिलेट ठीक बात, करके तो ठीक आपको मिश्रा पता जी, नहीं चल ठीक। रहा। मैं हाँ अमिताभ तिवारी के पास चलूंगा। मिश्रा जी जो बात कहना चाह रहे हैं उसको मैं और क्लियर कर दूं, जितना मैं समझ पाया, भारतीय प्रतीकों के साथ कोरिलेट करना एक काम है, वो ना भी कर पाए अगर तो यथास्थिति बनाए रखें, अगर भारतीय प्रतीकों के विरुद्ध अपने को कोरिलेट ना कर लें जाने अनजाने, वो डबल नुकसान हो रहा है। कांग्रेस डबल नुकसान से जूझ रही है, नुकसान से नहीं। बारिश सगुन अच्छा है ये नहीं कहा, चलो छोड़ो। सैफ अली तैमूर क्या इंप्रेशन दे रहा है, यही रावण है मानो संघियों, ये कहने की क्या जरूरत है? इसके लिए वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखी क्या कि सब लोग ये बोलो? गांव देहात में इसका क्या असर होता है जाके पता है? सारी यात्रा एक तरफ, ऐसी कोई बात एक तरफ। खैर, अमिताभ